हेलो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है RCBO। RCBO का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर लोड प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये हमारे पास मुख्तलिफ रेटिंग में मार्केट में मौजूद होते हैं। उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी मुख्तलिफ रेटिंग की होती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास जो DB में लगे हुए हैं ये 10 एम्पेयर के हैं। 10 एम्पेयर 100 मिली एम्पेयर है, ये 10 एम्पेयर का है, और ये ऐसे करके 16 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर तक हमारे पास मार्केट में ऐसे ही, या 20 एम्पेयर से भी ऊपर तक के मार्केट में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है 100 मिली एम्पेयर, ये इसकी सेंसिटिविटी है। अभी ये RCBO, हम इसको ये RCBO में क्या कौन कौन सी प्रोटेक्शन होती है ये मैं अभी आपको बताऊँगा कि RCBO में कौन सी प्रोटेक्शन होती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो MCB होता है, MCB में हम लोग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन होती है, और इसमें जो और जो RCCB होता है उसमें जो हमारा अनबैलेंसिंग या अर्थ लीकेज होता है उसकी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन ये जो RCBO है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं जो मेरे पास DB में लगे हुए हैं, इसमें इस दोनों की प्रोटेक्शन होती है। ओवरलोड की प्रोटेक्शन भी होती है और इसमें अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन भी होती है। जैसा कि अभी हमें कोई काम कर रहे हैं, जो हमारा इक्विपमेंट है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है, तो उसके ऊपर ये हमें प्रोटेक्शन देगा। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास दो मुख्तलिफ RCBO पड़े हुए हैं। ये RCBO हमारे पास जो है ये 10 एम्पेयर का RCBO है। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, और जो इसकी सेंसिटिविटी है वो 30 मिली एम्पेयर है। मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये RCBO है ये 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, और इसका जो करंट है वो 16 एम्पेयर है जो इसकी रेटिंग है, और इसकी सेंसिटिविटी जो है 30 मिली एम्पेयर है। इसके कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी ये जो ब्लैक वायर होती है ये किधर लगती है, और ये जो वाइट वायर होती है ये किधर लगती है, और इसमें जो दूसरा ये जो इसके पॉइंट हैं ये हम किधर यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। मेरे पास ये एक दूसरा श्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का एक RCBO पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 20 एम्पेयर है, और ये सी टाइप का जो ब्रेकर है, और इसके ऊपर 100 मिली एम्पेयर इसकी जो सेंसिटिविटी है। इसके ऊपर एक बटन होता है, टेस्ट बटन, जो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेकर है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो उसको हम प्रेस करके इसकी जो प्रोटेक्शन होती है उसको भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा इसकी सेंसिंग कॉइल है वो काम करती है कि नहीं करती। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बटन लगा हुआ, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये इसका टेस्ट पॉइंट है। और ये इसका दूसरा जो RCBO है इसके ऊपर ये नीचे लगा हुआ है, इसका जो ये टेस्ट पॉइंट है इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑपरेट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक जो DB में लगा हुआ है RCBO उसको प्रेस करके आपको उसका ऑपरेशन भी दिखाता हूँ कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद में आपको मैं इसका कनेक्शन के बारे में भी बताऊँगा। फ्रेंड, जैसा कभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास DB में मुख्तलिफ रेटिंग के जैसे मुख्तलिफ RCBO लगे हुए हैं, तो इसमें कभी ये स्पेयर एक ब्रेकर लगा हुआ है, तो मैं इसको अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ जो इसका ये टेस्ट पॉइंट होता है, तो इसको भी ये इसका ऑपरेशन कैसे होता है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये RCBO हमारा ट्रिप होता है कि नहीं होता है। इससे इसको इधर से प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं, जैसे मैं अभी इसका प्रेस करूँगा तो ये हमारा ट्रिप हो जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि अभी देख सकते हैं कि मैं अभी ये टेस्टर की मदद से इसको प्रेस करूँगा तो ये हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मैंने उसको टेस्ट पे डाला तो ये हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो गया। तो मतलब कि ये जो हमारा ब्रेकर है जो RCBO है ये हमारा फिजिकली ये हमारा काम कर रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल में यूज़ में हम लोग ले सकते हैं। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं मैं उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैं इसके कनेक्शन होंगे उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये बस बार आ रही है, जो हमारा ब्रेकर जो नीचे लगा हुआ है
उससे हमारा जो बस बार ये आ रही है, और उससे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो उसका जो हमें इसको इनपुट दी हुई है और जो इसकी आउटपुट लाइन होती है उसके ऊपर हम इसका न्यूट्रल और इसके ऊपर हम फेज़ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी अभी देख सकते हैं कि इसकी ये जो जो हम लोग जो इसका लोड की तरफ होता है, जो इसे लोड की तरफ जो लाइन जा रही होती है इसको इधर एल के ऊपर, और जो न्यूट्रल होती है इसको इधर इसके ऊपर एन के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं। और जो दूसरी जो वायर इसकी ब्रेकर की खुद की अपनी वायर होती है वो हम, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाली वायर थी वो हम लोग अर्थ जो टर्मिनल होता है उसके ऊपर लगाते हैं। और ऐसे ही जो उसका जो जो अपने उसकी ब्रेकर की जो वायर होती है जो उसके साथ लगी होती है, ये देख सकते हैं जो हमारा जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको ब्रेकर भी दिखा देता हूँ जो हमारा जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, वो भी मैं अभी आपको ब्रेकर भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो मुख्तलिफ किस्म के जो RCB हैं, इधर से हम जो इसका जो हम लोग इनकमिंग सप्लाई देते हैं और इसको जो ये जो हमारी वायर होती है इसके ऊपर जो एल एल है और ये जो न्यूट्रल है इसके ऊपर हम इसकी जो आउट सप्लाई होती है मतलब जो हमारा लोड की तरफ जा रहा होता है उसको लगाते हैं। और ये देख सकते हैं जो हमारा ये ब्लैक ब्लैक वायर है और ये एक वाइट वायर है, इसको हम इस अर्थ के साथ लगाते हैं और ये न्यूट्रल के साथ लगाते हैं ताकि जो हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है या हम किसी जो हमारा अक्यूमर लगा होता है या डिवाइस लगी होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या उसके ऊपर हमें अर्थ लीकेज आ जाती है, तो उसके उसी के साथ जो हमारी रिटर्न आती है तो वो DB के साथ, और ये जो हमारा हिस्सा है इसका जो ब्रेकर का इसके अंदर इसकी सेंसिंग कॉइल लगी है जिसको ये ट्रिप करवा देता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो MCB मैंने आपको बताया, MCB और RCCB का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा सेम MCB की तरह है और ये जो वाला पार्ट दूसरा पार्ट होता है ये RCCB का काम करता है। जैसे कि अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी जो जो सेंसिंग कॉइल है उसके कनेक्शन भी बने हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं ये इसके सेंसिंग कॉइल के कनेक्शन बने हुए हैं। जो हमारा ये वाले जो वायरें हैं ये इधर लगी हुई हैं जो हमारे DB के अंदर लगती हैं, और जो इसकी जो जो L1 है L है और N है जो जिसके ऊपर हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको जो हमारी ये जो वीडियो है RCBO के ऊपर आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपके जहन में कोई हमारे मतलब कोई हमारा ऐसे कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।